चार पाँच रुपए साहब जो है ना खाने पीने कर रहे हैं तकरीबन 40-50 हज़ार चिंची में बैठ चुके हम लोग, वो भी बैठ चुके पूरी उल्टी बस्ती है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुका है तो सब दोस्त वगैरह बारिश लेके हम लोग भी जा रहे हैं बाहर, तो चल जाके देखते हैं उनको। अरे ये लोग भी बाहर खड़े हैं, अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद भी बकरा वगैरह देखना काटने के लिए, क्योंकि कढ़ाई वगैरह खुद बनाएंगे या नहीं मिला तो हम लोग कहीं होटल से खा लेंगे खाना वगैरह। अभी तो फिलहाल नाश्ता करने जाएंगे और बाहर दरगाह में भी जाएँ थोड़ी देर बाद। अभी सुबह का माहौल मंजर है, बैठ चुके हैं नाश्ते के लिए होटल में, तो नाश्ता वगैरह करके इंशाल्लाह थोड़ी देर बाहर निकलते हैं। फिर भाई सबको अभी तक नींद आ रही है क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग 2-3 घंटे से मीर को देखो, मीर के आगे चेक करो, बस नाश्ता वगैरह करके इंशाल्लाह फिर जाएंगे दरबार, उसके बाद घूमेंगे चिंची में, जाएंगे कहीं और जगह। चार पाँच रुपये नाश्ता वगैरह सबने कर लिया, अभी जा रहे हैं बकरा वगैरह देखने, अभी सब सही होगा। ये अन्नी आया मोने ना ना अन्नी मदाम से डरना सुई दे में अंगद नहीं रही यकीशी आ तो बाकु तो किना एक देख रहा मंत्र को से बाकु तो किना जोश बाज दाल हम दिल्ला मरने वाले हैं। ये वाला बकरा ले लिया, अभी इनको इसको कटवाएंगे तो बाद में कढ़ाई वगैरह बनाएंगे, तभी घूमेंगे यहीं कड़ा हुआ, अभी हम लोग जाएंगे बाहर घूम फिर के आएंगे। सारा ग्रुप जा रहा है, बकरा वगैरह तो फाइनल हो गया भाई। मेरी मैनेजर साहब जो है ना खाने पीने कर रहे हैं तकरीबन 40-50 हज़ार खर्चा कर चुके हैं। मीर सबसे ज्यादा मीर का है, मीर अबे भाई बकरा कितने का लिया है, कितने का लिया? 18,000 का बकरा लिए, वो भी साकिब भाई की वजह से। साकिब भाई करेंगे बकरा कहेंगे तो हमने बोला चलो बकरा ले लेते हैं। बकरा डेढ़ माशाल्लाह। साकिब भाई इधर देखो, जा रहे हैं दरबार। अभी जा रहे हैं दरबार, इससे लगे देखो यार पता नहीं क्या बना रहा है, बंद बना रहा है, टेम्पल रखवाते हैं फिर सीधे अंदर जाएंगे। चलते हैं अंदर, अभी यहाँ फिर से चेकिंग हो रहा है, एक जगह हो गया अभी यहाँ चेकिंग हो रहा है। आ चुके हैं मज़ार में, लाल शहबाज खरिंदर मुख्य मज़ार में, तो और मस्जिद चलते हैं अंदर। अंदर तो इंटर हो चुके हैं, सब स्टिक वगैरह बना रहे हैं। के पीछे साइड आ चुके हैं, पीछे के साइड यहाँ रात को जो है
माल वगैरह होता है। मजार से बाहर आ चुके हैं। अमल भाई कहाँ जा रहे हैं? अमल अमल कहाँ जा रहे अभी? अभी हम जा रहे हैं बोतल बार और चप्पी कलर। अभी चिंची में जा रहे घूमने। चप्पी कलर उल्टी बस्ती काट रहे हैं इसको। हम लोग जा रहे हैं सेवन शेर का थोड़ा सा राउंड मार के चिंचिन में। और राजी और नजीब अली लोग ये बनाना कढ़ाई बकरे का। हम लोग वापस आते हैं। राजी बकरे ये भी बनाना कढ़ाई है। चिंची में बैठ चुके हम लोग। वो भी बैठ चुके हैं दो चिंचिन। हम लोग जा रहे हैं अभी सेवन के थोड़ा सा घूमने सेवन शेर में। एक दो मजा रहे हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ये किला भी है एक और ये एक इलाका था उस तरफ। तो इसकी हिस्ट्री जो है मेरे घर से जमीन उल्टा हो गया था यहाँ। अमल आगे एंजॉय करने के लिए अल्लाह आपका भला करे। क्या कहते हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कहाँ जा रहे हैं अभी? हम लोग जा रहे हैं उल्टी बस्ती। उल्टी बस्ती के अंदर अगर आओ तो रक्षे में ना बैठो चिंची में, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर आने का। बाकी आप ये व्यू देख लें। पूरा सेवन शेर है ये बगीचे चेक करो। और एक दरिया भी है। ये जो है ना पूरी उल्टी बस्ती है। ये पूरा पलट दिया गया था ये पूरी बस्ती। अभी आप ऐसे यहाँ से देखो ईट वगैरह पड़े होंगे। गोलाई 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 इस तरफ करो। ये ज्यादा हो ये काम होगा। वापस आ चुके हैं सब। तो जा रहे हैं एक और जगह। ये वहाँ जाके इंशाल्लाह जगह आपको दिखाएंगे। मुझे भी इतना पता नहीं कौन सी जगह जा रहे हैं। वैसे जगह का नाम है लाल बाग। पता तो लगा ही नहीं। लाल बाग है तो बगीचे इसलिए लाल बाग बोलते हैं। तो अभी चलते हैं फिर इसके बाद वापस। खाना वगैरह खाना बकरा तैयार हो गया होगा। शहजाद भाई बकरा तैयार हो गया अभी? बकरा आ गया नहीं तो तैयार हो गया होगा लेकिन डर है मैं जल नहीं जाए क्योंकि दो घंटे से दम पे लगा हुआ था। दी तीन बंदे हैं वहाँ तीन जल्लाद हम छोड़ के हैं और ट्राई करते करते जे रोटी तो खा गए होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस
अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब आ चुके हैं। अभी भाई मजा आया ना वहाँ भाई, बहुत मजा आया। अभी ये लोग आए हुए खड़ा ही देखते हैं, इधर बने हुए कड़ाई बना भाई आजी ने और नजीब ने और अली उस्ताद ने, बस खा के चेक करते हैं। लगता तो जायका भी है, पिला रहा है। कितने घंटे लगे आप लोगों को? डेढ़ घंटा दो घंटे लगे, बस खा के चेक करते हैं। अली उस्ताद ने सलाद भी बनाया, सलाद अली उस्ताद ने बनाया। अली अल्हम्दुलिल्लाह तक सब खाना वगैरह खा रहे हैं। खाने के बाद इंशाल्लाह फिर जाएंगे वापस बाहर। खाना तो भाई माशाल्लाह वीआईपी फुल भाई, सबने खाना वगैरह खा लिया, अभी बैठे में थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं फिर बाहर वापस। दमामा होगा, ढोल होगा, तो वहाँ जाते हैं, जाएंगे सीधे इंशाल्लाह दरगे में। जा रहे हैं मज़ार के अंदर, इंशाल्लाह अंदर इंटर होते हैं फिर आपको दिखा के आगे का मंजर। मज़ार के अंदर आ चुके हैं क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला, लाइट वगैरह चालू है। घूम फिर कर इंशाल्लाह घर की वापसी है। माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया, बस निकलने की तैयारी है, तो बस गाड़ी आ रहा है, चाय वगैरह देखते हैं पीते हैं फिर निकलते हैं इंशाल्लाह कराची की तरफ। सारे बाहर जा रहे हैं, मैं यहाँ से चाय लेता हूँ पार्सल, रास्ते में पीते हुए जाऊँगा क्योंकि चाय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भाई का मशहूर मावा है, यहाँ से लेते हैं घर के लिए। भाई ये सबसे पुराना मावे वाला है, ठीक है, जब भी आओ आपको ये भाई मिलेंगे यहाँ पर मावे वाले। हाँ नालो नालो कुर्बान कुर्बान का देखो माँ उसे आप माँ का फेड़े नहीं वीडियो बने ये सौगात है यहाँ का और ये मावा ये दो चीजें यहाँ की सौगात है। बस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी क्योंकि पार्किंग में खड़ा हुआ है भाई। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में खड़े हुए थे। अनमल भाई मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। क्योंकि सारे ग्रुप गैदरिंग थे हमारे पास, इस वजह से ये अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर्दी भी आज तो इतना नहीं है, कल तो ज़्यादा था, आज नॉर्मल है कराची वाले मौसम में। हैदराबाद तो चाय वगैरह यहाँ से पीते हैं, चाय के बाद आधे घंटे बाद इंशाल्लाह एक घंटे बाद जाएंगे आगे मजीद हाईवे की तरफ M9 मोटर पर। वहाँ क्योंकि हमारे पास गोश्त वगैरह बचे हुए हैं तो तकरीबन 3-3.5 किलो बकरे का गोश्त है, वहाँ इंशाल्लाह बनवाएंगे, वहाँ खाएंगे। चाय पी के चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद मोटर पर पहुँच चुके हैं, हम अभी जा रहे हैं इस वक्त कराची की तरफ। तो थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद इंशाल्लाह रुकेंगे, कढ़ाई वगैरह खाएंगे। ये हैदराबाद जो टूल प्लाजा क्रॉस हो चुका है, कुछ देर में इंशाल्लाह जद्दा होटल पहुंच चुका है, तो बैरियर टाउन क्रॉस हो गया, थोड़ी देर में इंशाल्लाह कराची पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। यहाँ से जो बकरे का गोश्त बचा हुआ था तो यहाँ कढ़ाई वगैरह करवाते हैं, चलते हैं अंदर। इनका खाना वगैरह बहुत अच्छा है, मॉल भी अंदर का वीआईपी भी अंदर देखते हैं जाके। सर्दी वही सेवन वाला सर्दी है यहाँ भी, फैमिली की जगह है तो अभी वहाँ चलते हैं।
इतने अंदर तरपार वगैरह इन लोगों ने लगाया हुआ, पहले नहीं था, अभी लगा हुआ क्योंकि सर्दी वगैरह ज्यादा है। बेटे में खाना बनने गया हुआ है, तकरीबन 3-4 किलो कढ़ाई है मटन का, प्लेट वगैरह आ चुके हैं। वो सर्दी बहुत ज्यादा चारों तरफ से पैक किया हुआ है, लड़ रहे हैं लोग यार, लड़ रहे हैं, पैसे ज्यादा आया हुआ यार, खर्चा ज्यादा हुआ है। सुलभ रशिया ने 1000 मांग रहे खाना वगैरह आ चुका है। ये वहीं पे जो बकरा काटा था उसका गोश्त है। कुछ बंदे यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, और आसना मका अल्हम्दुलिल्लाह भाई वीआईपी खाना था माशाल्लाह, बहुत बहुत वीआईपी बकरे का कढ़ाई था। अभी चलते हैं कराची की तरफ इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में कराची। सब बैठ रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है, वहाँ से ज्यादा यहाँ सर्दी है। नबील यहाँ सर्दी ज्यादा था, वहाँ यहाँ ज्यादा यार वाकई में। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं कराची टोल प्लाजा। सब जा रहे हैं अपने अपने घर, हम जाएंगे यहाँ, शहजाद भी जाएगा सामने, आदि ले जाएगा यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे पहुंच चुके हैं, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, अभी सोने की तैयारी करते हैं। भाई बहुत बहुत मज़ा आया सेवन में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह लाजम करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।